बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय अल्पाइन एकेडमी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट, सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो। बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करेंगे। Phylum Echinodermata. Echinodermata is a group of about 6,000 species of exclusively marine animals. Echinodermata जो हैं ये ऐसा ग्रुप है जिसमें 6,000 species इसमें शामिल होती है और ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, यानी ये मैरीन वाटर में रहते हैं। They begin their lives as free swimming bilaterally symmetrical larva, but as adult they have radially symmetrical bodies. शुरू में जो इनकी लाइफ स्टार्ट होती है वो इस तरह से होती है कि ये फ्री स्विमिंग होते हैं और बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल इनका लार्वा होता है, या लार्वा कहें या लार्वी कहें, ये इनका जो लार्वी है वो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। बट एज अ रिजल्ट दे हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडीज, और बाद में जो है इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी में डेवलप हो जाती है। As the bodies of most of the echinoderms have five symmetrically radiating parts or arms, they are referred to as pentaradial or pentamerous. इनकी बॉडी जो है जो echinoderms की जो बॉडी है उसमें ज़्यादातर यह होता है कि उसमें five symmetrical radiating parts वहाँ पर मौजूद होते हैं या फिर five arms उनकी बॉडी में बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको पेंटारेडियल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फाइव आर्म है इनमें से किसी भी आर्म से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसके जो हैं फाइव जो पोर्शंस हैं, फाइव जो आर्म्स हैं या पार्ट्स जो हैं, इनसे आप कहीं से भी इनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इजीली या फिर ये इक्वली ये डिवाइड होता है। सम ऑफ द इकाइनोडर्म्स लिव आउट ऑफ द सी, कुछ इकाइनोडर्म सॉरी नॉन ऑफ द इकाइनोडर्म्स लिव आउट ऑफ द सी, लेकिन कोई इकाइनोडर्म जो है वो ऐसा नहीं होता जो सी से बाहर एग्जिस्ट करता हो। एडल्ट इकाइनोडर्म्स दो लेग हेड ब्रेन एंड सेगमेंटेशन आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सेलोमेट डिटोरिस्टोम विद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्म्स जो है इनके जो एडल्ट होते हैं इनमें कोई हेड मौजूद नहीं होता, कोई ब्रेन सिस्टम या फिर सेगमेंटेशन जो है इनमें मौजूद नहीं होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी थ्री लेयर्स इनमें होती हैं जो बॉडी के, हमने पहले जो पढ़ी है ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक वगैरह, तो इस तरह से इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी लेयर्स जो है वो पाई जाती है, और ये सेलोमेट होते हैं इनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम मीन्स ये इनका जो एनस पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है और माउथ जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है, और इनमें जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके की या डेवलप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है। द बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय अ डेलिकेट एपिडर्मिस। अच्छा, इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है एक नाजुक सी एपिडर्मिस की लेयर इसमें होती है। स्ट्रेच्ड ओवर अ फ्रेम एक्सोस्केलेटन ऑफ फिक्स्ड और मूवेबल कैल्केरियस प्लेयर्स विद स्पाइंस। अच्छा, इनकी बॉडी जो है उसमें एपिडर्मिस की लेयर मौजूद होती है जो कि बहुत नाजुक होती है, और इसमें जो एग्जोस्केलेटन है उसमें मूवेबल कैल्केरियस प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद होती है जो जिसके ऊपर कांटे लगे हुए थे, जो कांटेदार होती हैं। दीज स्पाइंस विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी में बी लॉन्ग एज इन सी अर्चन और शॉर्ट एज इन सैंड डॉलर्स। इनके बॉडी में जो स्पाइंस मौजूद होते हैं ये इनके बॉडी के तमाम पार्ट्स पर मौजूद होते हैं, यानी पूरी बॉडी को ये कवर करते हैं, और इनमें से जो है कुछ जो स्पाइंस हैं वो कुछ मेंबर्स में लॉन्ग होते हैं, जैसे कि सी अर्चन में ये स्पाइंस लॉन्ग होते हैं, और कुछ मेंबर्स में ये शॉर्ट होते हैं, जैसे कि सैंड डॉलर्स में ये स्पाइंस जो है वो शॉर्ट होते हैं। दिस स्पाइंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप एंड इंस्पायर्ड द नेम इकाइनोडर्मेटा। ये जो स्पाइंस हैं ये इनकी ख़ास खसूसियत होती है कि इस ग्रुप के मेंबर्स में मौजूद होते हैं, यानी इस ग्रुप के मेंबर्स की ख़ास खसूसियत होती है कि इनमें स्पाइंस मौजूद होंगे, और इसी के बिना पर इस ग्रुप का नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। द कैल्केरियस प्लेयर कवरिंग द बॉडी आर परफोरेटेड ओवर सर्टेन एरियाज थ्रू विच स्पेशल ऑर्गन द ट्यूब फीट प्रोजेक्ट आउट। इनकी जो बॉडी होती है उसमें हमने कहा कि कैल्केरियस वहाँ पे
प्लेट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये जो है किसी किसी पोर्शन पे या किसी बॉडी के ख़ास एरिया में जो है, कुछ एरिया में जो है ये परफोरेटेड होते हैं या उभरे हुए होते हैं। असल में इन एरिया में जो है, इन जगहों में जो है, इनके बॉडी के जो स्पेशल ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्यूब फीट जो है वहाँ से निकलता है, या उसके जो कैलकेरियस पीरियड है वहाँ से ये परफोरेटेड होता है। दिस थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब फीट आर द पार्ट ऑफ अ यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये जो थाउजेंड्स में इनमें ट्यूब फीट्स मौजूद होते हैं, ये एक यूनिक पार्ट होता है इनकी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका, और ये जो है जो इकाइनोडर्म्स है इनकी एक खसूसियत है। These tube feet serve for locomotion, holding of food and respiration. अब इसी इन्हीं ट्यूब फीट्स को जो कि थाउजेंड्स की तादाद में इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं, इसको ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, अच्छा फूड को होल्ड करने के लिए, किसी कोई भी खुराक जो है उसको पकड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और रिस्पायरेशन में जो है इसका भी अहम रोल होता है, यानी रिस्पायरेशन में भी ये हेल्प करता है। Most echinoderms exhibit a remarkable power to regenerate their lost parts. ये जो echinoderms है इनमें ये खसूसियत मौजूद होती है कि अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट जो है, इनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट ऑफ हो जाए या लॉस्ट हो जाए, तो वहाँ से जो इनके बॉडी का पार्ट है वो रिजनरेट होता है। रिप्रोडक्शन इज यूजली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो है आमतौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इन सम केसेज हाउ एवर इट इज़ असेक्सुअल, और कुछ केसेज में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट पासिंग यूजअली थ्रू अ बाइपिनेरिया अलार्वल स्टेज। इनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है बाइपिनेरिया लार्वल स्टेज से। कॉमन एकाइनोडर्म्स आर स्टार फिश, ब्राइटल स्टार, सी कुकम्बर एंड सी अर्चन। ये जो कॉमन एकाइनोडर्म्स हैं इनमें स्टार फिश शामिल हैं, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं इनके साथ साथ। इसके बाद इनमें ब्राइटल स्टार है, सी कुकम्बर है और सी अर्चन इसकी एग्जाम्पल हैं। एफिनिटीज मीन सिमिलरिटीज ऑफ करेक्टर सजेस्टिंग रिलेशनशिप। एफिनिटीज का मतलब यही होता है कि इनका ताल्लुक जो है वो किस तरह से होता है, जो डिफरेंट तरह के जो क्वाड्रेट्स हैं या फिर इनमें जो हेमी क्वाड्रेट्स हैं इनसे किस तरह से ये सेम होते हैं, या फिर इनसे किस तरह से इनका कोई ताल्लुक होता है, उसको कहते हैं एफिनिटीज। इकाइनोडर्म्स आर थॉट टू बी द रिलेटिव ऑफ क्वाड्रेट्स एंड हेमी क्वाड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज लाइक देयर स्टाइल ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन एंड ड्यूटेरोस्टोमी ऑफ द ब्लास्टोपोर। कहा जाता है कि जो एकाइनोडर्म्स हैं ये रिलेटिव हैं क्वाड्रेट्स और हेमी क्वाड्रेट्स से, क्योंकि इनमें ये सिमिलरिटी पाई जाती है कि जो इनका एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है वो इनका मिलता जुलता है, इनका जो स्टाइल ऑफ क्लेवेज है वो भी मिलता है, ब्लास्टुलेशन के जो पैटर्न इनका होता है जिसमें ब्लास्टोला बनता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से, वो इनमें सेम होती है, गेस्टुलेशन इनमें सेम होती है, और जो ड्यूटेरोस्टोमी ब्लास्टोपोर की होती है वो भी इनमें सेम होती है, क्योंकि इनमें यह होता है कि जो एनस पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है जबकि माउथ जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ खसूसियात हैं जो क्वाड्रेट्स और हेमी क्वाड्रेट्स से मिलती हैं एकाइनोडर्म्स की। द टोर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमी क्वाड्रेट एंड बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड एनाटॉमिकल रिजेंबलेंस। ये जो लार्वा है हेमी क्वाड्रेटा का, जिसको टर्नेरिया कहा जाता है, और बाइपिनेरिया लार्वा जो है एकाइनोडर्मेटा का, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। इनके मॉर्फोलॉजी को देखिए, इनके केमिकल स्ट्रक्चर है, उनका कंपोजिशन जो है उसको देखिए, या फिर इनके एनाटॉमी को देखिए, तो ये एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करते हैं। हेमिकॉर्डेटा हाफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या है ये समझ लीजिए। नोटोकॉर्ड जो है एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है जो कि कार्टिलेज लाइक जो मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इंक्लूड अबाउट 90 स्पीशीज। फाइलम कॉर्डेटा जो है, हेमिकॉर्डेटा जो है एक छोटा सा ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें 90 स्पीशीज शामिल होती हैं तकरीबन। दे आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स विच यूजअली लिव्स इन
shallow U-shaped burrows in sandy or muddy sea bottom. अच्छा, और इनकी बॉडी जो है वो सबके सॉफ्ट बॉडी होती हैं। इनमें पाए जाने वाले जितने भी मेम्बर्स हैं सबकी बॉडी सॉफ्ट होगी, और ये आमतौर पर जो सैंडी और मडी बॉटम होता है सी का, वहाँ पे ये पाए जाते हैं और ये बुरो करते हैं उनमें, या फिर उनमें ये जो सैंडी या फिर ये जो मडी बॉटम है वहाँ पे ये ब्रोइंग करते हैं, और वहाँ पे ये अपनी लाइफ जो है गुजारते हैं। These cylindrical or wedge-shaped animals are bilaterally symmetrical and lack any segmentation. ये जो hermaphroditas हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है या फिर वेज शेप की होती है। एनिमल्स जो हैं इनमें पाए जाने वाले, इनमें bilaterally symmetrical होती है, ये bilaterally symmetrical होते हैं, और इनमें जो है कोई बॉडी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। They may be solitary or colonial and usually range between a few millimeters and 250 centimeters in length. इनकी बॉडी जो है वो, इनकी बॉडी का रेंज अगर हम देखते हैं तो कुछ जो होते हैं वो मिलीमीटर्स में होते हैं, जबकि कुछ जो है 250 सेंटीमीटर्स तक भी इनकी लेंथ होती है, और कुछ जो है वो क्रोनिक फॉर्म में रहते हैं और कुछ जो है वो सिंगल फॉर्म में भी रहते हैं, यानी अकेले जिंदगी गुजारते हैं। Brinoclosus giges, however, may reach a length of 1.5 meters. Brinoclosus जो हैं, गिगेस जो हैं, वो इनकी लेंथ अगर देखें तो वो 1.5 मीटर्स तक होती है। देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन एंड सिलोम इज डिवाइडेड इन टू थ्री चैम्बर्स। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें सिलोम जो है वो डिवाइड होता है थ्री चैम्बर्स में, और डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट बींग कनेक्टेड टूगेदर बाई ट्रांसवर्स रिंग्स। इनमें जो है जो डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ये मौजूद होता है इनमें, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ट्रांसवर्स रिंग के थ्रू, उनके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट इन हेमिक्वाड्रेट दो नो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन। इनमें जो है सेपरेटेड सेक्सेस होते हैं हेमिक्वाड्रेट्स में, हत्ता कि इनमें जो है कोई सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म या दो शक्ली इनमें सेक्शुअल जो पार्ट जो है वो इनमें नज़र नहीं आते। एज अ ब्लास्टोपोर ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एनस हेमिक्वाड्रेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। इनमें जो है ब्लास्टो जो पोर है उनमें जो एम्ब्रियो का एनस है वो पहले डेवलप हो जाता है, और ये जो हेमिक्वाड्रेट्स हैं ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब यही है कि इनमें जो एनस जो है वो पहले डेवलप होता है, और जबकि इनका माउथ जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03183188660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9231831860, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।